अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 8 से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टेशनरी वेव्स। बच्चों, ये टॉपिक वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है पेपर में, एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। पिछले टॉपिक्स में आपने देखा कि अगर दो वेव आपस में मिलती हैं तो उनकी जो कम्बिनेशन है उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब सुपरपोजिशन मुख्तलिफ तरह के रिजल्ट हमें देती है, डिपेंड करता है कि जिन वेव की सुपरपोजिशन हो रही है वो वेव सेम फ्रीक्वेंसी वाली हैं या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली हैं, और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो बच्चों, अगर दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो ऐसी वेव की सुपरपोजिशन से हमें मिलती हैं स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने ऐसी ही दो वेव के स्नैपशॉट्स लिए हैं डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, जीरो टाइम के ऊपर। आपको पता है कि एक वेव का जो कंप्लीट टाइम पीरियड होता है वो टी होता है, तो इस टाइम पीरियड को हमने मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर लिया। पहला स्नैपशॉट हमने 0 सेकंड पे लिया, अगला स्नैपशॉट T/4 पे, उससे अगला स्नैपशॉट T/2 पे, फिर हमने 3T/4 पे, और फाइनल स्नैपशॉट हमने टी के ऊपर लिया। अब इसमें दो वेव आपको नजर आ रही है, ये जो अपर वेव है ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है और जो नीचे वेव है ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इनकी जो सुपर पोजिशन है उससे किस तरह से हमें स्टेशनरी वेव्स मिलेंगी, जरा इसको डिस्कस करते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमने दोनों वेव्स के ऊपर कुछ पॉइंट्स बना लिए हैं, कुछ आर्बिट्रेरी पॉइंट्स। ये देखें जी, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। इसी तरह सेम पॉइंट्स यहाँ पर भी होंगे। अब हम इन पॉइंट्स के, दोनों वेव्स के ऊपर ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के हम डिस्प्लेसमेंट को ऐड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। बच्चों, कोई भी दो पॉइंट, मसलन पॉइंट 1 और 2, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय 4 है। इसी तरह से 2 और 3 के दरमियान भी लैम्डा बाय 4 है, 3 और 4 के दरमियान भी लैम्डा बाय 4 है। तो सबसे पहले हम पॉइंट 1, 3, 5 और 7 को चेक करते हैं दोनों वेव्स के ऊपर। बच्चों देखें, वेव नंबर 1 जो है इसका पॉइंट 1 ये इक्विलिब्रियम पोजीशन या ये जो लाइन है इसको टच कर रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हुआ, इसका भी 0। अब 0 में 0 जमा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब ये वो पॉइंट है हमारी वेव के ऊपर जो रिजल्टिंग वेव है, इन दोनों को कंबाइन करने से जो वेव आ रही है उस वेव के इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, 0। तो देखिए पॉइंट 3, यहां भी 0 डिस्प्लेसमेंट, यहां भी 0 डिस्प्लेसमेंट, 0 और 0 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। अगेन यहां पर भी हमें क्या मिल रहा है, 0 डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। पॉइंट 5 को देखें, 0 डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। पॉइंट 7 को देखें, 0 डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। अब अगले स्नैपशॉट की तरफ चलते हैं। ये देखें, हमारा पॉइंट 1 यहां पे चला गया और इसका पॉइंट 1 यहां पे चला गया। अब इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, इसका जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दोनों डिस्प्लेसमेंट इक्वल है क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड बराबर है और अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। अगर पॉइंट 3 को देखें, ये पॉइंट 1 है ना, ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 3 है। पॉइंट 3 का डिस्प्लेसमेंट देखें इस डायरेक्शन में है, इस वेव का जो पॉइंट 3 है उसका डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों को ऐड करेंगे, अगेन आंसर क्या आएगा, 0। तो 1, 3, 5 और 7 का अगेन डिस्प्लेसमेंट आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर आप स्नैपशॉट 3 पे चले जाएं तो यहां पर देखें 1 और 1, 0 0, 3 और 3, 0, 5 और 5, 0, 7 और 7, 0। बच्चों, अब कोई भी स्नैपशॉट निकाल के देख लें, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट परमानेंटली 0 रहता है। ठीक है जी, इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों वेव्स को मिलाएं आपस में तो इनके मिलने से कुछ इस तरह की वेव बनती है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट परमानेंटली 0 है। इन पॉइंट्स को नोड्स बोलते हैं। इसका मतलब है कि जिन पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट परमानेंटली 0 है, ये पॉइंट्स स्टेशनरी वेव के नोड्स कहलाते हैं। अब जरा पॉइंट 2, 4 और 6 को देखते हैं। जो ये देखें 2 और इसका 2, दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, वो ऐड हो जाएगा और रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट आपको ये देखें ये आपको मिलेगा यहां पर, रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से पॉइंट 4 को देखें,
यहाँ जो पॉइंट फोर है इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है लेकिन इसके ऑपोजिट है, अगेन आपको रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। पॉइंट सिक्स को देखें, यहां पर इसी डायरेक्शन में, यहां पर भी इस डायरेक्शन में, अगेन आपको रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। उसके बाद अगर मैं यहां पर देखूं टी बाय फोर वाले स्नैपशॉट में, तो देखें ये मेरा पॉइंट वन है, ये मेरा पॉइंट टू है, पॉइंट टू का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहां भी जीरो है, लिहाजा यहां भी जीरो। अगर मैं टू के बाद ये थ्री है और ये फोर है, यहां पर ये फोर है और यहां पर ये फोर है, अगेन जीरो। सिक्स का देखें जीरो, ठीक है। उसके बाद तीसरे स्नैपशॉट पे आते हैं, पॉइंट टू का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पॉइंट वन और पॉइंट टू दोनों के डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारा पॉइंट वन है, ये हमारा पॉइंट टू है, तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअली ऐसे होना चाहिए डाउनवर्ड। अगर पॉइंट फोर का देखें तो वो कैसे होना चाहिए, यू अपवर्ड, और पॉइंट सिक्स का देखें तो वो कैसे होना चाहिए, यू डाउनवर्ड। तो अच्छा, यहां पर एक मजे की बात है कि ये पॉइंट ऐसे हैं टू फोर सिक्स, ये हमें एक दफा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे मिले हैं, इनके एम्पलीट्यूड के ऊपर मिले हैं, और फिर हमें जीरो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मिले हैं। और जब हम तीसरे स्नैपशॉट पे गए हैं तो आप देख रहे हैं कि वही पॉइंट्स हमें दोबारा फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे मिले हैं, लेकिन उनकी जो एम्पलीट्यूड की डायरेक्शन है वो बदल चुकी है। यहां पर पॉइंट टू अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, यहां पर डाउनवर्ड है, पॉइंट फोर डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड। अच्छा, ऐसा क्यों है बच्चों? जब स्टेशनरी वेव बनती है ना, तो ये जो पॉइंट्स हैं जिनको हमने नोड्स कहा है, नोड्स का डिस्प्लेसमेंट तो परमानेंटली रहता ही जीरो है, लेकिन जो एंटी नोड्स हमारे हैं इनके ऊपर जो पॉइंट्स हैं, मतलब स्क्रीन के वो हिस्से जिनको हम एंटी नोड्स कह रहे हैं, ये मूव करते हुए ऊपर नीचे इनके ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। मसलन ये मेरा पॉइंट टू है, इस वक्त मेरा पॉइंट टू ये है, लेकिन जो जो स्ट्रिंग को हम मूव करते रहेंगे हमारा पॉइंट टू ऑसिलेट करेगा बिटवीन दीज टू पोजिशन। इस पोजिशन को आप ए कह लें और इस पोजिशन को आप बी कह लें। पॉइंट टू इस वक्त यहां पर है, ठीक है, ये देखें पॉइंट टू। उसके बाद पॉइंट टू ने नीचे की तरफ जाते हुए यहां पर मीन पोजिशन से गुजरना है। जब ये मीन पोजिशन से गुजर रहा है तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। और उसके बाद हमारा पॉइंट टू जो है वो दूसरी डायरेक्शन में चला गया, ये देखें पॉइंट टू अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि एक तरफ ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे और दूसरी तरफ फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, यानी कि हमारा पॉइंट टू यूं करके ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है। दरमियान में ये मीन पोजिशन है, पॉइंट टू यहां पे है, ठीक है। ये ऑसिलेट करता हुआ जब मीन पोजीशन से गुजरता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। और फिर ये नीचे की तरफ आता है और दूसरी डायरेक्शन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम हो जाता है। एक डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड, फिर दूसरी डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड, और दरमियान में चूंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से गुजर रहा होता है लिहाजा डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है। अब इसके बाद क्या होगा, ये टू फिर ऑसिलेट करता हुआ बी से ए की तरफ जाएगा। जब ये बी से ए की तरफ जाएगा दरमियान में ये मीन पोजीशन से गुजर के जाएगा, अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। और उसके बाद जब ये दोबारा पॉइंट ए में पहुंचेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट फिर उसी डायरेक्शन में होगा जहां पर शुरू में था। तो बच्चों ये पॉइंट्स जो ऑसिलेट करते रहते हैं दो नोड्स के दरमियान, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं एंटी नोड। इसका मतलब है कि एंटी नोड जो है वो ऑसिलेट करता रहता है बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है। लेकिन हर दो नोड्स के दरमियान आपको एक एंटी नोड मिलेगा, हर दो नोड्स के दरमियान आपको एक एंटी नोड मिलेगा। तो बच्चों कोई से भी दो नोड्स या कोई से भी दो एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय टू है। आप दो नोड्स के दरमियान निकाल लें या दो एंटी नोड्स के दरमियान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs आता है पेपर में। कोई से भी दो नोड्स या कोई से भी दो एंटी नोड के दरमियान आप डिस्टेंस निकालें तो लैम्डा बाय टू आएगा। लेकिन एक नोड और उससे अगले एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बच्चों लैम्डा बाय फोर आएगा। तो यहां पर नोड और एंटी नोड की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। नोड वो पॉइंट है जिनका डिस्प्लेसमेंट परमानेंटली जीरो रहता है, और एंटी नोड वो पॉइंट है जिनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है फ्रॉम मेन पोजिशन, और ये एंटी नोड अपनी पोजिशन भी चेंज करते रहते हैं। तो बच्चों ये तो हो गए नोड्स एंड एंटी नोड्स और फॉर्मेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर करना चाहूंगा वो है एनर्जी से मुतल्लिक। बच्चों स्टेशनरी वेव्स के अंदर आपने देखा कि नोड्स का डिस्प्लेसमेंट परमानेंटली जीरो है, इसका मतलब है कि इन पॉइंट्स के ऊपर एनर्जी क्या है, जीरो है।
ठीक है, लेकिन जो एंटी नोड्स हैं ये चूंकि ऑसिलेट कर रहे हैं दो पोजीशन के दरमियान, लिहाजा कोई भी सेगमेंट हमारी स्ट्रिंग का कोई भी सेगमेंट, कोई भी हिस्सा जो यहाँ पर आ रहा है या यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो दो नोड्स के दरमियान ऑसिलेट कर रहा है। इसका मतलब है, पहली तो बात ये है कि स्टेशनरी वेव्स के अंदर एनर्जी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नंबर टू, अब कैनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। बच्चों, नोड्स के ऊपर तो एनर्जी जीरो है, लेकिन कोई भी ऐसा पॉइंट, लेट सपोज कि मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया जो यहां पर नोड के ऊपर है, आप इसके अलावा कोई और पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इस पॉइंट की अगर हम बात करें, चूंकि ये पॉइंट ऑसिलेट कर रहा है, जिस वक्त ये पॉइंट मीन पोजिशन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे, डिस्प्लेसमेंट पे होता है या डिस्टेंस पे होता है, उस वक्त क्या होता है, सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल होती है। और जब ये पॉइंट ऑसिलेट करते हुए मीन पोजीशन से गुजरता है तो सारी की सारी एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक। यानी कि मीन पोजीशन से गुजरते हुए जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो काइनेटिक होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो पोटेंशियल होती है। इसके अलावा एनर्जी जो है वो ऑसिलेट करती रहती है काइनेटिक और पोटेंशियल के दरमियान। इसका मतलब है कि एंटी नोड्स जो है वो एनर्जी को ऑसिलेट करते रहते हैं, लेकिन किस शक्ल में, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में, लेकिन दो नोड्स के दरमियान एनर्जी जो है वो ट्रैप हो जाती है। यही वजह है कि हम इसको स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं, स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं और स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। तो बच्चों, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। इसके बाद इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव्स की डिफरेंट एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है स्टेशनरी वेव की। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।